गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में तीन प्रभु बताए हैं। ये तीन प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? तीन प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है, कैसा है, उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमात्मा क्या कहते हैं कि सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया और रंक दुखी बपरीती हो, कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। अब परमात्मा ने निष्कर्ष निकाल दिया सारे अपने ज्ञान का कि अभी ना तो सुरपति सुखी, सुरपति माने देवताओं का मालिक राजा इंद्र। अब हम यहाँ एक सरपंच बन जाते हैं, चेयरमैन बन जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं या एमएलए बन जाते हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन जाते हैं एक छोटे से टुकड़े का। तो हम ये सोच बैठते पता नहीं हमने क्या पा लिया, कुछ भी नहीं पा लिया, आपने तो अपना जीवन नाश कर लिया जब भक्ति नहीं करते तो, या भक्ति नहीं कर रहे तो पूर्व जन्म की वो पूंजी जो आप लेकर आए थे, धन श्वासों का, मनुष्य जीवन के श्वासों का, उसका नाश कर दिया और ये खाक उपलब्धि कर ली और एक पल का चैन नहीं। मुख्यमंत्री के देख लो इतिहास सारे दिन, प्रधानमंत्री का देख लो, एक पल का चैन नहीं इनको, हमने दिखे बड़े सुखी। तो पुण्यात्माओं यदि भक्ति करनी है इन संसारिक चोचलों तो अपने दूर रखना पड़ेगा, एक का काम होगा। परमात्मा कहते हैं पिया चावे प्रेम रस, राख्या चावे मान, एक म्यान में दो खड़ग, कदे देखी सुनी न कान। यदि तू प्रेम रस पीना चाहता है यानी परमात्मा पाना चाहता है, सतलोक जाना चाहता है और साथ में यहाँ की मान बढ़ाई ये बकवादों को भी चाहता है तो कभी नहीं होगा। ठीक है जैसा करोगे वैसा मिल जाएगा, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए दास प्रयत्न करना चाह कर रहे हर भगवान ने आके किया था उससे आप फिर वंचित रह जाओगे। तो यहाँ संसारिक सोच लांगना हमने कभी सपने में भी नहीं देखा है। कहते इंद्र दा राज काग दा बिष्टा, हमने तो कहते इंद्र स्वर्ग का राज्य भी काग की बीट टट्टी समझनी पड़ेगी जब हम सतलोक जा सकेंगे। और जिस सुख की प्राप्ति के लिए राजाओं ने राज त्याग दिए और हम उस राज के पीछे घूम रहे तो हम भक्त नहीं है, हम भक्ति नहीं चाहते, बकवास चाहते। तो दास आपको आज के सत्संग के माध्यम से यही संदेश देना चाहता है कि आप विद्यार्थी हैं पृथ्वी पर, आप मनुष्य हैं, मानव शरीर प्राप्त है बहन और भाइयों को, ये विद्यार्थी का काम यहाँ बकवादों में नहीं लगना, यहाँ सत भक्ति करके आपको यहाँ की किया हुआ वर्क डन इसका बेनिफिट उस क्षेत्र में मिलेगा जहाँ की तुम साधना ट्रेनिंग कर रहे हो। कोई इंजीनियरिंग कर रहा तो इंजीनियर लगेगा, डॉक्टरी कर रहा तो डॉक्टर लगेगा और अन्य साधना कर रहा है उसी के आधार से आगे उसको उस क्षेत्र में जॉब मिलेगी। तो आप जी वो साधना कर रहे हो, आप विद्यार्थी हो, आपको सतगुरु मिल गया है, तो वो साधना मिल गई है जो सतलोक में आपको सदा सुखी करेगी, वहाँ जाकर फिर वापस नहीं आना होगा और वहाँ आपका ऐसा ही व्यवस्था होगी। अब यहाँ का जो कति अस्थाई डुप्लीकेट जुगाड़ है आपका, लेकिन आपकी बुद्धि इस ज्ञान से उठेगी, इस ज्ञान से ही यहाँ के इन सुखों से हटेगी और तब हम ऊपर चलेंगे, सतलोक जा सकेंगे। तो जैसे दास कह रहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो गुण हैं ये आपको प्रभावित कर रहे हैं, आपके बस की बात नहीं। जिस किसी ने भांग पी रखी है या शराब पी रखी है तो उसके बस की बात नहीं, अब वो जो गतिविधि कर रहा ऐसे ही करेगा, उसकी एंटीबायोटिक गोली टेबलेट दी जाएंगी, ट्रीटमेंट किया जाएगा तो फिर वो उतर जाएगी भांग और शराब, फिर वो ठीक गतिविधि करेगा।
तो अब जो परमात्मा दत्त ये ज्ञान है, कबीर भगवान द्वारा दिया गया जो ज्ञान है, इस मालिक की ये उनके मुख कमल से बोली वाणी है जो दास सुना रहा है स्पीकर की तरह। तो उस मालिक की वाणी में इतनी शक्ति है, ये बोली जा रही है, ये ज्ञान सुना जा रहा है, तो आपकी आत्मा के ऊपर जो नशा हो गया है वो हट जाएगा, कम हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और फिर आपकी यहाँ से इच्छाएं हटेंगी, आप सीधे चलोगे। भांग उतरी, नशा उतरा, आदमी फिर तो ठीक बोलेगा, सब व्यवहार ठीक रखेगा। उस समय उसको मालूम नहीं तू माँ को गाली दे रहा है या पिता से बुरा बोल रहा है, कहाँ खड़ा है, कहीं नंगा पड़ा है। तो अब हम इस काल की भांग ने पिए पड़े हैं। कबीर, ये माया अटपटी सब गट आण अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। तो ये परमात्मा का ज्ञान और ये भक्ति एंटीबायोटिक का काम करेगी, आपकी अब नशा उतरेगा भी, आप फड़कोगे एकदम सचमुच क्या कर रहे हैं। पिछले इतिहास याद दिलाए जाते हैं कि यहाँ तो आप रह ही नहीं सकते। आप यहाँ देखो कितना आपके बच्चे हैं, परिवार है, माता है, पिता है, संपत्ति है, आप बिल्कुल सेट हुए बैठे हो और इस स्थिति इस भाव से रह रहे हो कि अभी अपना नंबर नहीं है। मृत्यु तो कभी कभी याद आती है, जब सत्संग में या कोई आते हैं या कहीं कोई मर जाता है, 10 मिनट उसने लकड़ी डालन जावे हैं तब थोड़ा सा महसूस हो है भाई के ले गया यू, उल्टा मुंह होते चलो वो कोरोना क्यों प्रेशर है इसके ऊपर, जीव के बस की बात नहीं। और याद रखे तो वो फिर केकला तोड़ेगा, याद रख के क्या कर सकता है, पेट लगा दिया करे बिना भरे नहीं। संसारिक इतनी मर्यादा बना दी कि ना करे तो फिर समाज में रह नहीं सकता। तो हमने काल के द्वारा हमारे ऊपर लादे हुए उस अननेसेसरी वेट को हमने पटक देना ही, रखना नहीं सिर पे। उसमें कौन कौन से हैं, ये बड़ी बड़ी कोठियां बनाना, 5-4 प्लॉट लेकर डाल देना इस आशा से कि घने हो जाएंगे, अरकल मृत्यु हो जाए घने शर्म मारेंगे हम, बच्चों को भी मार्ग पर लगावे, परमात्मा से जोड़ उसके बच्चों को, आपका परम कर्तव्य बनता है। फिर मालिक आप रुखाड़ा होगा, कहते सिर सो प्या गुरु देव को सफल होया ये शीश, नितानंद इस शीश पर आप बसे जगदीसी। सिर सौंपया गुरुदेव को, भगवान के निमित कर दिया, बच्चों को नाम दिवा दिया, सिर सौंप दिया और कौन सा काट के थोड़ा चढ़ाना है, यानी अपने परमात्मा पर समर्पित हो जाना, उसमें एक ही भाव समझना। अब जैसे एक आश्रम के अंदर कुछ 5-7 भक्त रहा करते थे, गुरुजी उनको शिक्षा दिया करते थे कि भाई भक्ति मार्ग के अंदर गुरुजी के वचन को पालन करना अनिवार्य होता है, चाहे आपने अपनी क्रियाएं अच्छी लगती हो पर गुरुजी मना कर देता है तो आपने तुरंत त्यागनी होगी यदि मोक्ष और भक्ति लाभ चाहते हैं। भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के, भाई जो गुरु वचन पे डट गे कट गे फंद 84 के, वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ मिट गी मन पापी की दौड़, वस्तु मिली ठोर की ठोर मिट गी मन पापी की दौड़, भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के, भाई जो गुरु वचन पे डट गे कट गे फन 84 के। ऐसी शिक्षा दिया करता था। एक दिन उस गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, पहले तो ये प्रवचन किया कि भाई गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला शिष्य सफल होता है,
और गुरु की आज्ञा की अवहेलना करने वाला असफल होता है। फिर कहने लगा भी ये काम करो तुम, मेरे सिर में 5-5 जूते मारो। सभी साथ साथ बैठे थे, सुन हो गए, सामने देख नहीं रहे, नीची गर्दन कर ली। तब गुरुदेव ने फिर कहा भी मैंने आपसे क्या बोला है, गुरुजी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वो एक भी ना उठे, एक खड़ा हुआ, अपना जूता निकाला, गुरुजी के चरणों में जो आसन पर बैठे थे उनके नीचे बैठ गया जाके, और उनके चरणों के निकट जाके अपने सिर में 5 जूते मारे। तब गुरुजी ने कहा भाई डांडी मत मारे, तेरे सिर पर नहीं कहा मैंने, मेरे सिर पर कहा है। तब उसने क्या जवाब दिया विवेकवान व्यक्ति ने कि हे गुरुदेव, ये दास का शीश भी तो आपका ही है, क्या इस दास को आप अपना नहीं मानते? तब उसने कहा था बेटा इसमें विवेक की आवश्यकता है, और सिर सौंपना इसका नाम होता है, काट के नहीं देना। तो सिर सौंपया गुरुदेव को, सफल होया यो शीश, नितानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। तो उन बच्चों को भी मालिक तो जोड़ दे, पावर की करेक्शन दे दे उनसे। तो जो काम पावर से होगा वो हाथ से नहीं हो सकता, मैनुअली नहीं हो सकता। जैसे आटा पीसा करती हमारी माताएं, एक घंटे में जाकर 2 किलो मुश्किल से पीसा करती। अरे पावर कनेक्शन ले लिया, कट 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 कर एक घंटे में पीसते 2 मन 80 किलो। तो कहने का भाव ये है कि जब हम मालिक से जुड़ जाएंगे तो हमारा सारा काम परमात्मा की शक्ति से होगा। तो जैसे प्रसंग जो चल रहा था कि इस परमात्मा की जो भक्ति है, इससे हमारा पहले तो वो कांटे निकलेंगे जिनके कारण आप दुखी हो, और फिर आपको राम नाम का जूता दिया जाएगा कि बच्चा भी इसे निकालिए मत ना, यानी मर्यादा भंग ना करना, भक्ति मत छोड़ना, ये राम नाम का जूता है। तो वो दुखी प्राणी सफल होगा इस मार्ग में, और जो सुखी हैं वो नाम भी ले लेते हैं, कुछ दिन के अंदर उनकी मान बढ़ाई नहीं छूटती, वो ज्ञान पूरा नहीं सुनते, वो बर्बाद हो जाते हैं, छोड़ जाते हैं इस मार्ग को। और उनके लिए वरदान है उन पुण्यात्माओं को जिनको ये संकट और कष्ट आया जिसके कारण भगवान से जुड़े, वो आजीवन नहीं दूर हो सकते, क्योंकि उनको पता है जब भगवान से दूर होंगे तो वो कैर फिर टूट जाएंगे। तो वो सफल होंगे, या फिर जो सुखी भी हैं और ज्ञान सही ग्रहण कर लेंगे, मालिक के समर्पित हो जाएंगे, कनेक्शन नहीं कटने देंगे, तो पावर साथ रहेगी भगवान की, उनको सद्बुद्धि बनी रहेगी, वो भी सफल होंगे। लेकिन अधिकतर वो लोग आखिर में बिगड़ ही जाते हैं। तो इसलिए प्रार्थना दास की है कि ज़्यादा ज्ञान सुनना पड़ेगा आपने। एक दिन ज्ञान सुन लिया, 2 दिन सुन लिया, कुछ 2-3 वर्ष लग कर फिर कहते हमने ज्ञान हो गया, या भूल भी मारती प्राणी को, ये भी काल की एक जाल होता है। जीव को ज्ञान हो सकता है, ज्ञान हो गया तो उसके ऊपर टिक नहीं सकता, तो मालिक की पावर साथ रहेगी तो उस ज्ञान पर वो टिका भी रह सकता है, टिका रहना आवश्यक है। ज्ञान होना तो बहुत दूसरी चीज़ है, यानी संत बनना, साधु भक्त बनना ये अनिवार्य है। परमात्मा कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव यति जहान और सीता सी बहु भारिया, ये संत दूर स्थान। गोरख परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करके गोरख ज्ञानी पाक गया था। कबीर साहब के साथ गोष्ठी हुई थी, डले ढो रहा था, सिद्धि से पहाड़ का सोना बना दिया था उसने अपने वचन से, और भी बहुत सी सिद्धियाँ थी। तब परमात्मा ने कहा था कि जंतर मंत्र जोग निभाई, कबीर साहब ने कहा था, और कहते हैं गोरखनाथ सिद्धि में बुल्या और टूणे टामण हंड फूल्या, जंतर मंत्र जोग निभाई, काल चक्र जमजोरा खाई, तुम हो जमकी फर्दी माही। तब गोरखनाथ जी को ज्ञान हुआ, परमात्मा से उपदेश प्राप्त किया, ज्ञान से ग्रहण किया, उस ज्ञान को सुनकर आज्ञा ला गांडी पा गया, पूरा ज्ञान सुना हुआ, बहुत से चेले भी बना लिए बगैर किसी आज्ञा के, उसका अपना बठा बठाया, और ज्ञानी कब आ गया भाई, गोरख जैसा ज्ञानी नहीं, मालिक से ज्ञान प्राप्त करके आप प्रभु उन बैठे, या बीमार खावा हमने 10-12 करणीय मिल जाएंगे, बूढ़ा भाई इसने तो सारे श्लोक गोट रखे हैं, इसने तो भाई कति सारे वाणी याद कर रखी है, वो टीटी पाक जाएगा, काल दाव लगा जाएगा, भगवान से कनेक्शन कट जाएगा, तो वो फिर सदा के लिए दुखी, फिर शुरुआत होगी इसकी।
तो परमात्मा कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणेश सुख दे जति जहान और सीता सी बहु भारिया संत दूर स्थान। जैसे भाई सीता जैसी सती पत्नी नहीं हो सकती, परमात्मा कही सीता बहुत गड़ी हैं, सती बहन बेटियां बहुत हैं, ये भी भूल मत करो। और सुखदेव जैसे यति बहुत हैं जो अपने धर्म कर्म पर ब्रह्मचर्य पालन का करते हैं, और गोरख जैसे ज्ञानी गणे संत दूर स्थान, साधु संत भक्त बनना ये बड़ी दूर घर है उसका, यानी इस मर्यादा के अंदर रहना, सतभक्ति करना, मान बड़ाई से दूर रहना, यहाँ के संसारिक चोचलों से बच के रहना, इनकी कति सपने में इच्छा नहीं करना, वो संत है। कहते संत दूर स्थान, ऐसे साधु बनना बड़े दूर की बात है, लेकिन बनेंगे जब हम इस मार्ग पर चल रहे हैं। तो इस प्रकार इस ज्ञान को सुनते रहना, और दास के मुख से सुनोगे और ज्यादा असर होगा, क्योंकि जैसे एक तो प्रधानमंत्री कहे ये सड़क बना दो बरवाड़ा से लेकर दौलतपुर तक, तो अगले दिन मट्टी पड़नी शुरू हो जाएगी, उस पर कार्य शुरू हो जाएगा। और उसने एक आम आदमी कहे या कोई अधिकारी कहे उससे हटकर कोई भी कि ये बना दो, सपने में ना बना हो, बात दोनों वर्ड एक जैसे ही बोल रहे हैं। तो इसी प्रकार अधिकारी के वचन में जो शक्ति होती है वो अन्य व्यक्ति से कितना किसा दिखता हुआ अपने वो उस काम को नहीं कर सकता। इसी भ्रम के निवारण के लिए परमात्मा ने सबसे पहले अचिंत से कहा था तू सृष्टि रच कर देख ले। उसने अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की, वो जाकर सो गया मानसरोवर में, अचिंत वहाँ बैठा वो वहाँ सो रहा। अब सृष्टि रच खा के जब परमात्मा ने कहा था भाई तेरे को सबक सिखाया है और बाकी सतर्क हो जाते हैं, एक का चोट लाग जा बाकी सारे बचा करें, और कहा था समर्थ का काम समर्थ ही कर सकता है, चुप करके बैठ जा पड़ा। तो उसके बाद अचिंत समझदार था, कान पकड़ दिया। औरों को भी यह हो गया कि बकवाद करने से कोई फायदा नहीं, मालिक तो मालिक ही होता है, तो समर्थ समर्थ ही होता है। और जिस समर्थ ने इस दास को अपना प्रतिनिधि बना के भेज दिया, तो इससे जो काम होगा वो आम से नहीं होगा इस पृथ्वी पर, ये सत्कर्म मान ली जो कितनी बात बनाता हो और कैसा कुछ करता हो। ये इसलिए बताया जाता है कि फाउल पॉइंट हो जाएंगे, मार खा जाते हो आप। अब परमात्मा की वाणी है, परमात्मा के वचन है, दास सुना रहा है, ये अधिकारी बना रखे हैं, इसलिए सुना रहा है ना। तो मेरे के सिर में दर्द था, अपना भक्ति करूँ, माला फेरूँ, अब गुरु जी के चरणा में बैठे अपना टाइम पास हो रहा था। आदेश हो गया धनी का कि नाम दिया कर, नाम देना कोई बालकों का खेल नहीं है, ये तो सबका अपना वजन सिर पर रखने वाली बात है, जो अधिकारी नहीं है। तो अब जैसे एक कोई अधिकारी है वो कितने व्यक्तियों को अपने घर पर नौकरी दे सकता है, एक ना रोटे उस पर एक भी नौकर है, और वो गवर्नमेंट का अधिकारी है, गवर्नमेंट की तरफ से उसको आदेश है कि आप इतने कलर भर्ती कर दो, इतने टीचर भर्ती कर दो, तो वो कितने भर्ती कर दे उसका जिम्मेवारी फिर गवर्नमेंट, उसके तो साइन होंगे, साइन करने की के पेन और इंक भी गवर्नमेंट की होती है, और उसके साइन से उन बच्चों को वो लाभ मिलता है और सरकार देती है। तो दास तो एक साइन करनिया बना रखा है जो नाम देने वाला, और इस दास से साइन कराने के बाद उपदेश लेने के बाद वह सच्ची सरकार आपको लाभ देना शुरू कर देगी, उसी दिन से आपका फिर सफलता मिलेगी और नहीं कर सकता। तो अधिकारी के बिना कोई भी काम सफल नहीं होता। इन अन अधिकारियों ने तो बैठा रखा मानव समाज का, और भगवान आए थे इन अन अधिकारियों ने, गुरुओं ने, बकवाद करनिया ने, परमात्मा तक हमें पहुंचने नहीं दिया, और अब भी ये आगे आडे अड़ रहे हैं, पर अब इनकी बसावक होनी किससे की देख लेना, मालिक का वचन है ये कि अब कोई इसके आगे नहीं अड़ सकेगा, इस ज्ञान के आगे टिक नहीं सकेंगे। और ज्ञान सब ज्ञान डी कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तो बकायब करता चला मैदान। अब प्रसंग चल रहा है कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया और रंक दुखी बपरीति हो, कहे कबीर और सब दुखिया एक संत सुखी मन जीती हो। अब सुरपति दुखिया यानी पूरे देवताओं का भी राजा, और पृथ्वी का तो गिनती नहीं, पृथ्वी का तो कोई राज ही नहीं उसकी तुलना में,
और पूरी भूपति माने पूरी पृथ्वी का राजा दुखिया, और रंक दुखी बप्रीति हो, रंक भी दुखी, गरीब तो दुखी है ये स्वाभाविक, उसको तो सबको पता होता सारे कष्ट उसके ऊपर गरीब के ऊपर। और जब वो भक्ति से जुड़ जाता है, मालिक की शरण में आ जाता है, सत भक्ति करता है, तो फिर वो रंक भी और वो राजा भी एक स्कूल के बालक, एक एक क्लास के विद्यार्थी हो जाते हैं, और दोनों को समांतर लाभ मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि संत सुखी मन जीती हो। अब नाम लेने के बाद हमने अपने मन को जीती बनना पड़ेगा। कैसे जीतेंगे? बात वही आती है जो गुरु वचन पर डट गए कट गए, फंद 84 के। इस ज्ञान से मन डटेगा, इस ज्ञान से मन की रुकावट बनेगी, और ये मन फिर ऐसा हो जाएगा, ये बिल्कुल तो समाप्त होता नहीं, क्योंकि ये भी यहाँ 21 ब्रह्मांड का मालिक, ये काल है उसका एजेंट है ब्रह्म का। इसको इस ज्ञान से आत्मा इतना टाइट कर देगी, देखो ये हानि नहीं पहुंचा सकता। जैसे दास का जन्म किसान परिवार में हुआ, हम देखा करते थे जो बैल ज़्यादा फूफा करता था उसको टाइट रस्से से बांध देते थे, उसकी रेंज कम कर देते थे उसके सिर सर मारने की, तो उसकी कुछ सीमा होती थी, उस तक ही वो फूफा कर सकता था, हानि नहीं पहुंचा सकता था। तो इसी प्रकार इस मन रूपी इस बैल को जो हानि पहुंचाता है, इसको इतना टाइट बांध देंगे हम, इस ज्ञान से इतना टाइट बंध जाएगा ये कि हानि नहीं पहुंचा पाएगा, आत्मा तुरंत एकदम सतर्क हो जाएगी। अब तो मन इसको मूर्ख बना रहा है, तेरा नो नुकसान हो जाएगा, फलाने ने ये कोठी बना ली, उसने ऐसा बना लिया, इस आत्मा के सहारे ही आगे चलता है ये, इसके ये समझ लो जैसे जिसकी टांग ना हो और वो सपोर्ट से चलता है। तो काल जो है ये मन बिना पैरों का है, ये आत्मा के पैरों को प्रयोग करता है। जब आत्मा को ज्ञान हो जाएगी उठे कोरी, ये चल सकता नहीं इससे आगे, तो इस प्रकार ये मन जीता जावेगा। जैसे आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। अब परमात्मा क्या बताते हैं, जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव, गरीब दास करो बंदगी बहोर ना ऐसा दाव। जैसे मोती ओस का, सुबह आप देखते हो रात को ओस गिरती है पत्तों पर कांटों पर, ओस के बिंदु से पानी के बिंदु से लटक रहे होते हैं, सूर्य के प्रकाश से उनमें इतनी चमक लगती है जैसे मोती लटक रहे हों, और दो घंटे के बाद उनका नामो निशान नहीं मिलता, खत्म हो गए। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं तुम्हारा यहाँ जीवन उस कांटे पर लटकी हुई ओस के जल के तुल्य है। जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव, गरीब दास कर बंदगी बहोर नहीं ऐसा दाव। ये मानव शरीर और ऐसे समय में जो परमात्मा ने अब ये बैन उठा दिया भक्ति से, वो ज्ञान जो गुप्त रखा हुआ था अब उसको खोलने का, अब उसके बच्चों तक पहुंचाने का आदेश दे दिया, तो इस समय में मनुष्य जीवन ये एक दाव है आपका, आपका दाव लगा है। तो परमात्मा समझाने की चेष्टा करते हैं, ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले आदरणीय धर्मदास साहिब जी की चिंता का निवारण करते हुए कहा था। क्या चिंता थी धर्मदास जी को? धर्मदास जी का जो लड़का था नारायण दास नाम था,
और आदरणीय धर्मदास साहिब जी बहुत बड़े सेठ धनी व्यक्ति थे, बनिया थे, वैश्य थे। परमात्मा से मिलन से पहले उनका एक पुत्र हो चुका था नारायण दास, और वो काल का दूत भेज रखा था उसके। जब परमात्मा उनको मिले और धर्मदास जी ने परमात्मा की प्रत्येक बात को सत्य मानकर अन्य उपासना आन उपासना छोड़ दी, फिर सबसे पहले माता पिता का कर्तव्य बनता है कि मेरा पुत्र पुत्री भी परमात्मा से जुड़े, मालिक इनका संरक्षक बन जावे, इनका जीवन सफल हो। क्योंकि हम अपने बच्चों के लिए अपने तन की परवाह नहीं करते, अपने धन की परवाह नहीं करते, तो उन बच्चों के लिए फिर अब हम पीछे क्यों रहे? जब हमें ज्ञान होगा, जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं सिर्फ एक पेट के लिए, इनका गुजारा हो जाएगा। गुजारा भी जो किस्मत में होगा उन्हीं का होता है ना, लाखों पढ़ते हैं, नौकरी कितनों को मिलती है। तो हमने अब वही फाइनल मान रखा, अब हम इसको फाइनल मानेंगे। ऋषि यहाँ भी सुखी, दो रोटी थी, एक छोटा सा एक कमरा ले ले बनवा ले, दो बना दे भगवान, उसकी मौज, वो तो दूसरी बात है ना। नीत नहीं रह गणे बना, उनकी आवश्यकता अनुसार बना और अपना ठाट से भक्ति करे, पीछा छुड़ा और चलो, वहाँ वहाँ मिलेंगे सुख। कॉलेज में सुख थोड़ा ही होता है। तो उस माता पिता के कर्तव्य को और बच्चे की ममता के कारण माता पिता वाले कर्तव्य को पूरा करने के लिए परमात्मा से कहा, भगवान मेरे बेटे को भी नाम दे दो। अब कबीर साहब लगे समझाने, ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे हैं, इनकी स्थिति है, पूर्ण परमात्मा अपने को छुपा कर कहते हैं, वो परमात्मा सतलोक में है, वहाँ सदा सुखी रहोगे। तो नारायण दास तो था काल का दूत, ने बोला हम नहीं माना है श्री कृष्ण से ऊपर किसी को, और पिताजी आपकी तो बुद्धि भ्रष्ट होगी बुढ़ापे में, आपको इसने बहका लिया जुलाहे ने, ऐसी उठपटांग बातें करके उठ कर चला गया, जवान हो रहा था 18-20 उम्र बल्कि ज्यादा आयु का। तो नारायण दास को काफी समझाया, धर्मदास जी ने भी कहा बेटा मेरी आत्मा है तू, मुझे ज्ञान हो गया, मैं बालक नहीं, तू मेरी हर बात की आज्ञा का पालन करता था, आज तेरे के बिजली गिर गई, तू क्यों नहीं मान रहा मेरा? उसके आगे बैठ कर रो समझावर उठ कर चल पड़े कि कहाँ से ज्ञान ले आए तुम, कहाँ से ज्ञान लिया। तब अति चिंतित देखकर धर्मदास जी को परमात्मा ने कहा, धर्मदास क्यों चिंता करता है भाई, क्या बात है कि भगवान युद्ध दुश्मन पैदा हो गया, मेरा बेटा क्या होगा इसका, ये तो कुत्ता बनेगा, गधा बनेगा, सुअर बनेगा, योनिया भोगेगा। जब नहीं उसके ममता नहीं हट रही थी नारायण दास से, तो परमात्मा ने अपनी शक्ति से नारायण दास को बुलवाया और उसके सामने ऐसे कर दिया मालिक ने अपना आशीर्वाद भरा हाथ, और कहा धर्मदास देखो तेरे बेटे को। अब उसका असली रूप जो अंदर था, धर्मदास की दिव्य दृष्टि खोल दी और वो देखा, लंबे लंबे दांत, विकराल चेहरा। परमात्मा ने कहा ये काल का दूत है भाई, और तू मेरा हंस था बेटा, तेरे घर में पैदा कर दिया कि भक्ति नहीं करने दे, तेरे गल में जैसे पशु के गल में लठ बांध दिया करें, रस्सी ते पाया सा इतना लंबा मोगरा सा डंडा सा, वो चल रहे चालन दे, चल रहे तो गट्टियाँ पर लाग गए पैरों में उस पशु के, कहते यूँ तेरे गले में काल ने यूँ बांध दिया, यू तेरी भक्ति में बाधा करना चाहता है। तो एकदम वो घबरा गया, धर्मदास जी घबरा गए, यूँ तो सचमुच इसकी शक्ल देखते कलेजा फट जाएगा। तब धर्मदास जी ने कहा कि बेटा नारायण दास जा कर ले काम, जा कर ले काम। वो मानना उसने था ही नहीं, उठ कर चला गया नारायण दास। तो परमात्मा के चरणों में पड़ गया कि भगवान मेरा वंश तो काल का होगा सारा ही। तब उसकी चिंता का निवारण करते हुए भगवान ने कहा बेटा तेरा 42 पीढ़ी तक वंश चलेगा, 42 पीढ़ी। तब धर्मदास जी और बुरी तरह रोने लग गया कि भगवान इस काल के वंश तो ना चल रहा बढ़िया, हे भगवान मेरा तो काल का वंश होगा। तब परमात्मा ने कहा नहीं, तेरे एक पुत्र और मेरी आशीर्वाद से तेरा पुत्र होगा, उससे तेरा वंश चलेगा। अब उस समय उनके इतिहास में लिखा जीवनी में कि वो 86 वर्ष के हो लिए थे धर्मदास जी, 86 वर्ष के, और दोनों पति पत्नी गणे वृद्ध हो रहे थे। तब उनके बात गले उतरे नहीं कि मेरी पत्नी का तो मासिक धर्म भी बंद, 20 वर्ष से 30 वर्ष से, अरे ये कैसे होगा? यानी जैसे बच्चा उठा लेता पेन को, वो पूछता पिताजी क्या है, उसको कहते पेन है, वो कहता ए पेन है, ए
फिर भी कहता पेन है, वो स्वीकार भी नहीं करता, अस्वीकार भी नहीं करता, उसको रख कर चला जाता है और खेलने लग जाता है, पर उसकी बुद्धि ग्रहण नहीं करती ये क्या कहना चाह रहे। तो ऐसी स्थिति में धर्मदास जी ना ना करें ना स्वीकार करें। तब परमात्मा ने कहा विश्वास कर बेटा मेरे वचन पर। तब मालिक ने ऐसे हाथ किया, आसमान से एक आत्मा यानी एक बालक आया, उसके आंगन में लेटा दिखाई दिया, उसके आंगन में खेलता हुआ। अब ये आएगा 10वें महीने तेरी पत्नी के गर्भ से। अब धर्मदास जी के साथ तो वो सती थी ठीक है, यू हो लेगी जब वह बात बनेगी। तो परमात्मा ने दया करी, 10वें महीने वो पुत्र उत्पन्न हुआ। अब वो पुत्र उत्पन्न हो गया, फिर उसको चिंता हुई कि भगवान आप तो अब चले जाओगे और हम भी चले जाएंगे, मेरे वंशज बाहर कैसे होंगे, मेरे जो आने वाली पीढ़ियां हैं 42 पीढ़ी तो आपने दे दी, इनका कल्याण कैसे होगा। तो परमात्मा ने कहा कि इसको आशीर्वाद दूंगा मैं, धर्मदास तेरे पुत्र को थोड़ा सा ही हो लेगा 10-12-15 साल का, तो इसको मैं नाम देने का अधिकारी बना दूंगा और इससे जो उपदेश लेंगे आपके भी परिवारजन वाले या कोई अन्य और भी, तो उनको लाभ मिलेगा, लेकिन अभी इनको मोक्ष नहीं होगा, इनका अभी वास्तविक मंत्र इनको बताना नहीं है और आप भी इनको नहीं बताना। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान और ये सार नाम कहीं बाहर ना जाएगी, ये सार नाम बाहर जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंसनी तरही, और ये मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंसनी तरही, और मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब लगिए द्वादश पंथ ना मिट जाए। अब धर्मदास जी को यह चिंता बनी कि परमात्मा इनको ओरिजिनल मंत्र मिलेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर कबीर जी ने उस समय ये 5 मंत्र दिए थे, उस चूड़ामणि नाम था उस धर्मदास के गॉड गिवन सन का, परमात्मा के द्वारा दिए गए पुत्र का नाम चूड़ामणि रखा था, उसी को आगे चल के मुक्तामणि नाम से वो प्रसिद्ध हुआ। उसको मालिक ने अधिकार दे दिया था नाम देने का, केवल 5 नाम दिए थे, जो 5 जो आपको हम प्रथम मंत्र देते हैं इनमें से ये 5 नाम हैं बीच वाले, उस समय ये 7 भी देना अलाउड नहीं किया था दाता ने। तो ये 5 नाम देने से क्या होता है कि यहाँ संसारिक सुविधाएं और मनुष्य जीवन मर्यादा बनाकर दे दी, इस तरह क्रियाएं करो, 5 यज्ञ धर्म यज्ञ भंडारे करने ऐसे ऐसे, और ये मंत्र 5 उसको दे दिए, आगे देने का अधिकारी बना दिया। तो फिर परमात्मा ने कहा कि धर्मदास जब 6ठी पीढ़ी आओगी ना तेरी, ऐसे गद्दी चलेंगी, 6ठी पीढ़ी वाला जो आएगा वो काल का दूत होगा, वो काल के दूतों के द्वारा भ्रमित कर दिया जाएगा और वो फिर इन 5 नामों को ख़त्म कर देगा, वो कोई और ही ऊट पटांग मंत्र बनाकर देने लग जाएगा, और मेरा वचन ना खाली जाई, मैंने जो कह दिया यह सच्ची होगी। अब धर्मदास फिर चिंतित हो गया कि भगवान फिर कैसे बात बनेगी, अब तो चलो सब्र किया था कि भी मनुष्य जीवन मिलते रहेंगे, और अब वो आगे चल के उनका तो वो नाम भी खत्म हुआ। तब परमात्मा ने कहा था कि आगे क्या होगा कि मेरी वाणी को जो पढ़ रहे हैं, अब वाणी तो मेरी पढ़ेंगे और इस वाणी के अंदर के ये ज्ञान यज्ञ बनता है, इस ज्ञान यज्ञ से भी इनको मनुष्य शरीर और भंडारे करते हैं, इससे भी इनको मानव शरीर प्राप्ति होती रहेगी, लेकिन मोक्ष नहीं हो पाओगा। तब धर्मदास जी को चिंता बनी कि हे भगवान आगे फिर इनको वो ओरिजिनल नाम देगा कौन आकर के, जब परमात्मा ने कहा था कि जब बिचली पीढ़ी आवेगी और 5505 वर्ष जब कलयुग बीत जाओगा, उस समय मैं यानी जो ब्रह्मा पंथ है गरीबदास जी का,
उस बार में पंथ में परमात्मा ने कहा, संवत 1774 जब बीत जाएगा, 75वां लगेगा, उस समय गरीबदास जी का जन्म होगा और उससे फिर बर्मा पंथ चलेगा। वो बर्मा पंथ चल चुका होगा और जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, उस समय मैं उस गरीबदास वाले पंथ में जाऊंगा और बर्मे पंथ के द्वारा जो बर्मा पंथ है गरीबदास का, उस गरीबदास जी द्वारा मेरी महिमा की वाणी का पुनरुत्थान होगा, क्योंकि वहाँ तक काल के दूत कबीर पंथ में घुस गए, कबीर सागर, कबीर वाणी, कबीर बीजक आदि वाणियों का अन्य ही अर्थ बना के उल्टा सुल्टा कुछ फेर बदल भी करके अपने अनुकूल इसमें खराबी पैदा कर देंगे, मिलावट कर लेंगे, कहीं काट देंगे, कहीं जोड़ लेंगे। तो उसकी पूर्ति गरीबदास जी वाले पंथ के प्रवर्तक संत गरीबदास साहिब जी से करवाएंगे। और फिर गरीबदास वाले पंथ में जब 5500 वर्ष वाले समय आएगा पिछली पीढ़ी का, तब मैं जाऊंगा उस गरीबदास वाले पंथ में आगे चलकर और सभी पंथों का मिटा करके एक पंथ चलाऊंगा। उस समय धर्मदास, उसके बाद हजारों वर्षों तक ये ज्ञान चलेगा, पूरी पृथ्वी पर मेरा ही नाम, मेरा ही ज्ञान और कबीर भगवान रह जाएगा और सभी पूरी विश्व की जितने भी पुण्यात्माएं हैं मनुष्य शरीर धारण करेंगी, क्योंकि उन अच्छी आत्माओं को जन्म दूंगा फिर मैं। जैसे नाम लोगे आप, आपके घर जो संतानें आएंगी वो बहुत पुण्यकर्मी आएंगी, उनको तो बचपन से ही कोई संघर्ष ही नहीं करना होगा, वो तो परमात्मा कबीर कबीर करते जन्म लेंगे। तो उन जो स्टॉक रखा भगवान ने, उन आत्माओं को वह आपके घर भेज देगा, उनकी तो आपने किसी बात की भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, वो तो स्वयं ही, वो कहते हैं ना बोर्न विद द गोल्डन स्पून, वो तो वो होंगे आपके घर पर। तो जब कहा था कि फिर तेरे वंश चलेगा 42 पीढ़ी तक और इस मेरे उस चलाए जा रहे उस पंथ, सुकृत पंथ कहा है मालिक ने, यानी यथार्थ कबीर पंथ से जो उपदेश ले लेगा और मर्यादा में रहेगा, धर्मदास तेरी सारी तेरी पीढ़ी वाले वीर और पूरा विश्व ही पार होगा, तू अपनी पीढ़ी की चिंता कर रहा है, मैंने सारे विश्व के प्राणियों की चिंता। तो उस समय सबको मैं ये ज्ञान ऐसा दूंगा और ये नाम दूंगा। तो परमात्मा ने उनका दिल रोकने के लिए कि मैं आऊंगा ये कह दिया होगा, स्वयं ना ये तो दास भेज दिया उसी पंथ में, अब ये कर दिया अज्ञान अंधेरा साफ। तो अब इस ज्ञान के आधार से आप जी ने इस संसार के चोचलों से वापस हटना पड़ेगा। आप अपने आप को एक विद्यार्थी समझें और सच्चाई समझो या सत्य है कति 100 की 100 सत्य है। आप जो क्रियाएं यहाँ कर रहे हो अपना जीवन नाशकरण की कर रहे हो, और जो कुछ भी आपको मिलना होता है वो प्रारब्ध में वैसे भी मिल रहा होता है, और अब आप उस समर्थ की शरण में आगे आपको आवश्यक जो वस्तु होगी आपके भाग्य में ना होगी तो भी देगा, तो सारी सृष्टि का पालक है, संचालक है, ये वो परमात्मा मिल गया। और मनुष्य जीवन केवल परमात्मा पाने के लिए ही है, बाकी यहाँ की सुविधाएं में जो जोड़ जुगाड़ में लग रहा है वो विद्यार्थी ठीक नहीं, वो भगत अच्छा नहीं। इंद्र दा राज काग दा विष्ट, आराम सरपंच बनने की तैयारी कर रहे तो भगत हैं हम, हम मंत्री मुख्यमंत्री की आशा लगाए बैठे भक्त नहीं है। ठीक है, जैसे करोगे वैसा फल मिलता रहेगा, मंत्री जाप करोगे धर्म करोगे वो फल अवश्य मिलेगा, लेकिन उस मूल वस्तु से वंचित आप रह जाओगे, फिर फायदा क्या उसका, व्हाट इज यूज। तो यहाँ क्या बता रहे हैं परमात्मा, होले सुहागण सुरता त्यारे मालिक गर जाना है, हे होले होले सुहागण सुरता त्यारे मालिक गिर जाना है, हे तेरा सोने से खैर बर तारे मालिक गिर जाना है। इस आत्मा को कहते हैं होले सुहागण सुरता त्यार, तूने अपने
पति के घर जाना है। अब सुहागन कौन होती है? जिस लड़की का रिश्ता हो जाता है, नाता जुड़ जाता है, सगाई हो जाती है, तो वो लड़की सुहागन होगी। और जिनकी सगाई नहीं हुई वो कुंवारी है। तो सुहागन लड़की यानी जिसकी सगाई होगी अर्थात जिसका नाता जुड़ गया पति से, तो वही तो पति के पास जाएगी। तो जिन्होंने उपदेश ले लिया इस दास से, ये आपका एक मीडियोकर मान लो बिचौलिया, आपका भगवान से, आत्मा का परमात्मा से नाता जुड़वाने वाला। अब जिस भी पुण्यात्मा का उस मालिक से ब्याह हो गया, नाम मिल गया, उससे नाता जुड़ गया, वह सुहागन होगी। और सुहागन ही जा सकती है, कुंवारी जा नहीं सकती क्योंकि कुंवारी का नाता नहीं जुड़ा। तो जो अनुपदेशी है वो कुंवारी आत्मा समझ लो, और जो सुहागन होगी वो उनको बता रहे हैं कि जाना है तो उसके लिए तैयारी करें। अब जैसे पहले दहेज प्रथा थी, कैसी परंपरा थी, हमने खूब देखा गांवों में, विशेषकर हरियाणा के गांवों में तो बहुत ज़्यादा व्यवस्था थी। हम क्या देखा करते, हमारी बुआ, हमारी बड़ी बहनें जब उनका विवाह हुआ तो उनके लिए दूसर तैयार करवाया करते, दूसर यानी सेकंड टाइम। एक बार तो ब्याह में भेज देते थे बहन को, बेटी को, फिर दोबारा दो एक साल के बाद ठीक रखी जाती थी, ठीक माने निर्धारित समय। तो जब वो ठीक निकट आती थी, एक या दो साल के रखे जाती थी, तो उस दौरान उस लड़की से कहा जाता था कि तू आगे की जो उसकी सासू ननद जेठानी या कोई और किसी के सब की लेन देन होता था तो उनकी अलग से वस्त्र दिया करते थे, जिनको तील बोला करते देसी भाषा में, तील यानी सूट सेट। उस तीड़ में क्या होगा करता, एक तक गागरी होया करती भार, मेरे ख्याल में 50 गज की एक होया करती गोड़ गोड़ करा के, और एक उसके ऊपर कुर्ता, एक उसके ऊपर चुंदड़ी यानी चोली दुपट्टा कह लो आजकल, तो वो पूरा एक सेट को तीड़ बोला करते, वो ऐसे पैक करा करती नारी नारी। और वो क्या होती थी, 30 तो अगलियाँ की, अगली माने ससुराल में जितनी भी बड़ी ठेरी बूढ़ी जेठानी दुरानी ननंद उनके लिए, और 20 पछलियाँ की, 15-20 लड़की की, यानी पूरा गातन करके वो ले जाती थी। तो वो लड़की की जब वो दूसर यानी सेकंड टाइम भेजने की तैयारी करते थे, कपड़े घर पर सिलवाया करते तकरीबन टेलर को बुला कर, तो वो तो टेलर बनाता था तील यानी सूट सेट अलग अलग बना कर रख देता था। और छोटे छोटे बच्चे बेटियां होती थी, वो क्या करती थी, उस टेलर के द्वारा काटे गए टुकड़े छोटे छोटे उठा लेती थी जो वेस्ट होते थे, उनको उठाकर ऐसे ही घाघरी यानी जो नीचे का पहरन की होया करती उससे बचे हुए की तो घाघरी बना लेती, या घाघरी होगी उसके ऊपर कुर्ता वाले वो निकाल के वो कटे हुए पीस को उस पर कुर्ता, फिर वो चुंदड़ी वाले में चुंदड़ी, वो पूरी सेट बना कर रख लेती, वो छोटे छोटे कट पीसों के, कट पीस भी दो दो उंगल के कुछ 3-3 इंच के टेढ़े मेढे कटे हुए, और उनको रख के और पूरी गठड़ी बांध लेती थी, और रोज खोल के, और पहले स्कूल काल तो थे को नहीं, बेटियाँ जवान हो जाती थी अपने घर पे रहती थी, तो वो क्या करती उसको खोल कर, जो 10-5-7 साल की लड़की होती थी, खोल कर देखा करती थी, ये इतनी अगलियाँ की, इतनी पछलियाँ की, ये गुड़िया की, एक गुड़िया बना लेती थी, अरे गुड्डा बनाती थी, उनका ब्याह करती थी, फिर गुड़िया की वो सारी तील उसके साथ रख के और गुड्डा के साथ फिर दूसरी अलमारी में धराया करती, वह पहुँच गई वहाँ पर। अब उसकी लड़की के वो गठड़ी बांध रखी थी, वो तील बोलती थी उनको, सूट सेट अलग अलग, उनमें से कोई दूसरी बहन या भाई निकाल लेता एक आधी उस चीथड़े ने, उस टुकड़े ने, और वह गिनती अगले दिन एक कम पाती तो रोती, घर के पूछते भी क्यों रो रही है बेटी तू, मेरी तीर निकाल ली किसने, निकाल ली मेरी तीर निकाल ली, बुरी तरह रो पाँ पीटे। अब वह तीड़ ने त्याड़ एक दो 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 उंगल के कपड़े इकट्ठे करके उन्हें तीड़ मान रही,
तो यहाँ परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि तुम जो संसारिक सुखों को, यहाँ की सुविधाओं को जो उपलब्ध करने में अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो, ये तो वो गुड़िया के साथ खेल रहे हो आप। गुड़िया खेलत उम्र गंवा दी और लाया नहीं विचार, तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार। और गुड़िया खेलत तने उम्र गंवा दी, लाया नहीं विचार। तो पुण्यात्माओं, यहाँ का राष्ट्रपति, इस पृथ्वी का, पूरी पृथ्वी का राजा, ऐसा जान लो जैसा वो बालक गुड़िया खेल खेल रही थी। ईत इतने चिथड़ों को पीस को टुकड़ों को वो सूट मान रही थी, और ओरिजिनल सूट कैसा होता है, और गुड्डा को गुड़िया का ब्याह कर रही थी, ओरिजिनल ब्याह क्या होता है। जब वो लड़की बड़ी हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, उसके दिमाग, उसका माइंड मैच्योर हो जाता है, फिर उस बेटी को पता लगता है तील क्या होती है, दुल्हा कैसा होता है, और फिर कहाँ जाने से तुझे उसका लाभ मिलता है, सुख होता है। तो फिर वो लड़की उसका विवाह हो जावे, उसके बाद फिर वो उन टुकड़ों से नहीं खेल सकती। खिला के दिखा दो तो उसने फिर छू भी ले तवा, क्योंकि उसको ज्ञान हो गया और ओरिजिनल दुल्हे का पता लग गया, वो तो डुप्लीकेट थे आगे। तो हम जब उस अपने सच्चे मालिक रूपी दुल्हे से जब आत्मा का यो निकाह हो जाएगा, विवाह हो जाएगा, यानी उसके सुख का जब इसने ज्ञान हो जाएगा, फिर इन गेल नहीं खेल सकता, टाइम पास करना होगा फिर तो उसने यहाँ पर जितने दिन का शेष जीवन रह रहा है। आशा भगवान में लग जाएगी, हटाने से नहीं हटती है, इस ज्ञान से आपको इतनी दृढ़ता आ जाएगी। और फिर परमात्मा कहता है, यहाँ अगर तने थोड़ी बहुत जो सुख चाहिएगा यहाँ का, तो भी मैं ही दूंगा। जिसके प्रारब्ध में है, भगवान से दूर है, तो भी वो सुख ले रहा, लिए रहा, फिर अगले जन्म है ना, अब तो ले लिया, अगले जन्म में गधा बन गया, वो सुख कहाँ गया। और परमात्मा कहते फॉर एवर सुख दूंगा, सदा के लिए सुखी कर दूं। तो हमने उस सुख की आवश्यकता थी, हम इसी में अपना जीवन गुड़िया खेल जन्म गंवा दिया, तने लाया नहीं विचार। तो अब हम इस ज्ञान से हम उस सियाने होंगे, मैच्योर होंगे, हमारा माइंड मैच्योर हो जाएगा, फिर हम नहीं खेल सकते नकलियाँ। तय आप देखना, भी तो बच्चे हो, अभी आप स्टार्ट किया है, कोई पहली कक्षा का बालक है, कोई दूसरी का, कोई तीसरी का, यानी जिस दिन से आपको ने उपदेश मिला उस दिन से आपका जीवन शुरू है। जा दिन सतगुरु बैठिया, ता दिन लेख जान, बाकी जन्म गंवा दिया बिना गुरु के नाम। तो जिस दिन आपने नाम मिला, आपका जन्म है इस आत्मा का, उस दिन से शरीर चाहे किसी का 60 वर्ष का है, चाहे 20 वर्ष का, चाहे 10 वर्ष का, उससे कोई लिंक नहीं। उस दिन से आपका मनुष्य जीवन प्रारंभ है, जिस दिन इस दास से आपने उपदेश ले लिया। तो आज किसी ने 2 वर्ष हुए हैं, किसी ने 6 महीने हुए हैं, तो वो 6 महीने का बालक है, 2 वर्ष का 2 वर्ष का ही है, कोई 10 वर्ष हो गए तो 10 वर्ष का बालक ही है वो। तो ऐसे जिस दिन से आपको ये, जब आप मैच्योर हो जाएंगे और परमात्मा आपके साथ ऐसे लक्षण करेगा, आप देखते रह जाओगे कि भगवान ऐसा कर रहा है। और फिर हम नालायक उल्टे अपने प्रयत्न से बकवादों में पैर दे रहे हैं, आत्मा धिक्कारा करेगी आपने इस मन को, और फिर ये ऐसा चलेगा बिल्कुल सीधा स्ट्रेट चलेगा, तो दूर पहुँचे, घर पहुँचेंगे। अब हम सफ़र में चल रहे हैं, कोई डुग डुगी बजाने वाला खड़ा है, उद्देश्य छोड़कर वहाँ बैठ के रात होगी, रात में फिर आगे सफ़र कैसे करेंगे, यानी इतना समय वेस्ट किया। तो परमात्मा कहते हैं फिर हम अपना सीधा चलेंगे, यहाँ की किसी प्रकार की भी इस तड़क भड़क को हम महत्व नहीं देंगे। तो क्या बताते हैं, सतगुरु मारे बानिया करते बणज व्यवहारी, बिन डांडी बिन पालड़े ये तोल दिया संसारी। है कितनी गहरी बात कही है मालिक ने, यानी अप आरती अप साजे, अप किंगर अप बाजे, अप ताल झांझनकारा, आप नचे आप देखना। अब वो परमात्मा स्वयं ही सारे रोल कर रहा था, एक भगत के भी, एक संत के भी, एक सच्चे सतगुरु के भी, और एक नेक नागरिक के,
यानी अपना सीमा में रहे। बकवादों में बड़ा नहीं, एक झोपड़ी में टाइम पास करके दिखाया मालिक ने, अनंत कोट ब्रह्मांडों के संचालक ने। तो क्या बताता है कि सतगुरु हमारे बानिया, हमारे दो सतगुरु हैं, यानी जैसे इस दास पर जाकर दीप या मालिक खुद आए थे या उन महापुरुषों को भी ज्ञान दिया था जो उनसे संपर्क में आए, लेकिन उनसे कह दिया था कि अभी समय नहीं है ये रहस्य डिस्क्लोज करने का, उनसे कसम दिवा दी थी, प्रतिज्ञा करवा दी थी। तो उन वो महापुरुष पक्के थे, दृढ़ थे, धर्मदास जी हालांकि अपनी संतान पर बड़े आसक्त थे, फिर भी मालिक के वचन को भंग नहीं किया उसने, कोई नाम नहीं बताया किसी को। और इसी प्रकार नानक साहिब जी को कह दिया था कि सतनाम नहीं देना किसी को, अभी पूरे सिख समाज सतनाम से वंचित है। और एक बार मर्दाना ने गलती कर दी थी, उसको झटका दे दिया था कि कहीं आगे डिस्क्लोज ना हो जा, लेकिन वो दुश्मन नहीं थे हमारे, अब आ जाएंगे, क्योंकि ऐसी मर्यादा चला के चले गए नानक साहिब जी, धर्म भंडारे होते हैं, हैं भगवान की वाणी पढ़ते हैं, तो उससे इनके मनुष्य जीवन बने रहे और भगवान में चाह इन सभी, जैसे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, इनमें आस्था है भगवान की अभी तक, चाहे मर्यादा कुछ भी मालिक ने इनके लिए कुछ भी दे रखा था, ये ग्लूकोज समझ लो, ग्लूकोज लगा रखी थी आपके इस आत्मा के, तो ग्लूकोज रोग नाश नहीं करती, इंजेक्शन न्यारे होते हैं, वो ट्रीटमेंट रोग नाश करने का उससे भिन्न होता है, लेकिन ये सहयोगी भी होती है। तो धर्मदास जी को परमात्मा ने मना किया था। तो क्या बताते हैं कि अब ये परमात्मा ने इस दास पर दया करी है, वो सर्जन बना के भेज दिया और कंप्लीट कोर्स दे दिया दास को, और इस कंप्लीट कोर्स के बिना यू जन्म मरण का रोग और सतलोक प्राप्ति ये संभव नहीं हो सकती। अब क्या बताते हैं, सतगुरु हमारे बानिया, ये जो ज्ञान आज दास आपको दे रहा है दास का नहीं है, ये उस परमपिता का गॉड गिवन है जो पहले खजाना धर गए थे छुपा के, अब दास को वचा भी दे दी उस खजाने की, सार नाम की, तत्व ज्ञान की, अब दास ने खोल कर उसके बच्चों को बांट रहा है। अब भी कोई सोया पड़ा है तो मूर्ख है, अपने कर्म बिगाड़ेगा, उसको जगाने के लिए जगह जगह डंडोरा पीट रहे हैं, जगाने के लिए पुस्तकें बच्चे घर घर दे कर आ रहे हैं, टेलीविजनों पर चल रहे हैं, और अब भी कोई सोया पड़ा रहेगा तो उसने घड़ी पी रखी है भांग इस काल की, तो उतरेगी, अब तो टाइम आ गया है, उतरेगी, टाइम अवश्य लगेगा क्योंकि बुराई को फैलने में भी थोड़ा समय लगता है, लेकिन सतमार्ग दृढ़ता से चलता है, स्लो एंड स्टेडली चलता है, ये पूरा विश्व में जाएगा, मालिक का वचन है। तो क्या बताते हैं, बिन डांडी बिन पाल लड़ाई तोल दिया संसार, इन सभी ऋषि महर्षि नकली गुरु और मंडलेश्वर आचार्य और शंकराचार्यों के सब क्या तलाशी लेकर दिखा दिया आपको कि इनके पास क्या ज्ञान है और वास्तविक हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, तो बिना डांडी और बिना पालड़े के सबको तोल के दिखा दिया कि इसके पास क्या माल है, इसके पास क्या माल है। कहते हैं बिन डांडी बिन पालड़े तोल दिया संसार, सबको अलग अलग छाण के दर दिया, इनका पैमाना बता दिया, इनका वेट बता दिया, इनके अंदर कितना ज्ञान है इन लोगों का। फिर बताते हैं कहे कबीर सुनो मेरी सजनी, इस आत्मा को कह रहे दाता कि सतलोक में जाओ, वहाँ लूटो अजब बहार, जिस सुख को तुम यहाँ खोज रहे हो वो यहाँ नहीं है, वो सतलोक में है और वहाँ पर सब सुख हैं, ये तो उसकी डुप्लीकेट समझ लो, जैसे एक तो सोने के बने हुए हों आभूषण और एक बना रखे हैं डुप्लीकेट लोहे के ऊपर पीतल का को लगा रखा है, तो इतना अंतर समझ लो, और कोई एग्जाम्पल नहीं जो उस मालिक के वहाँ के और यहाँ के देश के। तो यहाँ जो खिलौने हैं ये मिट्टी के बने हुए हैं, ये शरीर, वहाँ शरीर ऐसा ही है जैसा यहाँ पर है एज इट इज, लेकिन वो मटेरियल न्यारा है, वो कभी नाश नहीं होता, उसमें कभी बुढ़ापा नहीं होता, मृत्यु नहीं होती। अपने आत्माओं परमात्मा बतावे, और जिनको परमात्मा सतलोक लेकर गए थे उन वापस पे छोड़ा, उन्होंने वही ज्ञान दिया, और आज यो दास बतावे, हमारे सदग्रंथ इतिहास बतावे,
और फिर भी विश्वास ना होगा तो फिर कद होगा भाई आपके। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222 880541।